आपको लेना है। और ये देखिए बैक में तो फ्रेंड हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन तो है ही इलास्टिक के लिए, ठीक है। ये देखिए इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसमें। अब हम क्या करेंगे, एक बैक पार्ट उसी तरह से ड्रॉ करेंगे और मार्जिन में एक ही लेंगे हम, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम कम ले लेंगे। ठीक है, ये हम इसको नाम देंगे फ्रेंड बैक लाइनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चारों पार्ट हो गया। अब हम दिखाएंगे फ्रेंड जो वेस्ट बेल्ट है ना वो कैसे हम कटिंग करें, ठीक है, वो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं बाद में फ्रेंड डायरेक्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। ये आप लोग ये आप समझिए, ये हमारा इलास्टिक है और ये हमारा बकरम है, ठीक है, और ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा का मैंने किस तरीके से दिखाया फ्रेंड, जो मैंने जो इसका मेजरमेंट होगा उसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि ये 1 इंच हो तो हम 4 इंच लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्यों आपको वो करने के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिए आपको किस तरह से वो कैलकुलेशन आएगा। तो ये देखिए ये हमारा बकरम है, ठीक है, ये कपड़ा ये हाफ इंच से हमारा अंदर चला गया। ठीक है, ये हाफ इंच हमारा अंदर चला गया। ठीक है, अभी नीचे का कपड़ा को नहीं काटेंगे हम, दिखाएंगे आपको समझाने के लिए आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए इसके बाद ये उल्टा हो जाता है। ये देखिए क्या हुआ फ्रेंड, ये देखिए। ठीक है, तो मेरा कपड़ा सा कितना हो रहा है फ्रेंड, हमारा जो बकरम माप ये 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 रहा, इसमें 1 और यन 2 रहा और इसमें 3 लगा हुआ है, ये देखिए 3। ठीक है, ये देखिए हो गया, यानी कि ये हमारा जो बकरम था ये एक मेजरमेंट है और ये कपड़ा का मेजरमेंट है 1 इंच 1 इंच और इसमें से हाफ इंच और ये नीचे वाला पट्टी में हाफ इंच। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए फ्रेंड ये बोलो, ये सपोज बकरम माफ है 1 इंच, ठीक है, ये बकरम यानी कि आपको 3 इंच ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, बकरम माप ये देखिए हमारा बकरम माप, उसके बाद मैंने बंगाली में लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा बकरम माप, यानी कि ये हमारा 1 इंच और ये रहा मेरे नीचे वाला में रहेगा फ्रेंड ये हाफ इंच ज़्यादा हुआ और उसके बाद 1 इंच यानी कि 1.5 इंच और इसमें 1.5 इंच यानी कि 3 इंच हुआ, टोटल मिलाकर आपको 4 इंच हुआ। ठीक है, वेस्ट बेल्ट कपड़ा होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा 1 इंच कम कर देंगे। ठीक है, 1 इंच इसके अंदर इंक्लूड है केसिंग। ठीक है, अगर केसिंग आप छोड़ दे तो 3 इंच आपको कपड़ा अगर लेंगे तो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये हमारे बकरम से हिसाब से, अगर आपको ये बकरम का मेजरमेंट अगर आपको 3 इंच हो तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, ये देखिए बकरम आपका अगर 1.5 इंच हो तो हमको क्या लेना पड़ेगा आपको फ्रेंड, तो हम लेंगे 1.5 3 लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 4 इंच हम कपड़ा लेंगे। ठीक है, ये है फ्रेंड, यही है इस हिसाब है।
और हम आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए हमारा जो फ्रंट का, ये बैक का कटिंग है, और ये हमारा फ्रंट का कटिंग है, और ये हमारा वेस्ट बेल्ट है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट बेल्ट है, ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे कपड़ा में कैसे, मैं इसको मेजरमेंट तो हमारे पास है, और वो उसे लेकर हम कैसे कटिंग करते हैं, कैसे उसको इलास्टिक लगाते हैं, वो डायरेक्ट हम दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा कपड़ा फ्रेंड, ठीक है, हम डायरेक्ट कपड़ा में आप लोगों को सिखाएंगे। और फ्रेंड मैं एक चीज आप लोगों को बोल दूं, मैं जिस वीडियो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वीडियो का मतलब मैं तो वीडियो नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब वीडियो में जो जो सिखा रहा हूँ फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे, सभी जब मैं दिखा ब्लाउज का हो, कटरी हो, प्रिंसेस का, सभी का फ्रेंड आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको घर में रखना है। यानी कि आप अगर अभी आपको पास वक्त नहीं मिलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद में उसे आप वो खाते को आप ओपन करें, ठीक है। तो उस खाते में सभी इसलिए क्लियरली आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला पहले आपको ड्राफ्टिंग करना है, उसके बाद लेआउट करना है, ठीक है, सभी करके उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप कभी कभी बहुत सारा ये कोर्स होता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं जे क्या मेजरमेंट था, तो आप जब खाते को जब उल्टाएंगे आप, तो उस खाते में आप सब कुछ दिख जाएंगे आपको क्लियरली, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लहंगा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ फ्रेंड, जो शरारा का, उसमें भी आपको उसी तरह करना है, पहले आपको एक ड्राफ्टिंग बनाना है। मैं तो ड्राफ्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मगर ड्राफ्टिंग की तरह मैं वो जब कागज में दिखा रहा था उसमें आप उससे मेजरमेंट लेके जैसे मैंने ड्राफ्टिंग कैसे करना होता है वो आप लोगों को सीखा है, उसी तरह एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको घर में रखना है। और जब हम ये कपड़ा को काट रहे हैं, किस तरह का से जो पैटर्न हम कर रहे हैं वो लेआउट कहते हैं, उसी तरह एक लेआउट बनाकर, लेआउट पेपर बाजार में मिलता है, वो आपको खरीद कर घर में लेकर आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह ड्राफ्टिंग करेंगे पहले, उसके बाद लेआउट करेंगे, और बाद में ये तो हम तो डायरेक्ट आप लोगों को दिखा ही दूंगा फ्रेंड, जब आप लेआउट देखेंगे यानी कि ड्राफ्टिंग करेंगे सभी आपको दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आज दिखा रहा हूँ, जो हमारा जो वेस्ट का मेजरमेंट है ना वो 20 है, और जो फुल लेंथ है 24 है, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोग जब हमारा वीडियो देख कर जब सीखेंगी तो पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला देख कर पास में रखना है, और उसी हिसाब से मैं जब बोल रहा हूँ फ्रेंड, हमारा टेक्निक यही है आप लोगों को सिखाने का, मैं जब बोलूँगा ये आप बातों में ध्यान देंगी, ठीक है, और उससे साथ ही साथ आप ये फॉर्मूला को आपको पास में रखेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा है फ्रेंड, ये हमारा बोर 17 इंच है, ठीक है, यानी कि 17 इंच है, यानी कि हमारा 34 ये बोर है कपड़ा का, ठीक है। और लेंथ तो कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं आपको क्या करना है फ्रेंड, ये कपड़ा जिस तरीके से मैंने कागज में आप लोगों को सिखा है उसी तरीके से आप इसी तरह आपको करना है, ठीक है। मैं दूर से कैमरा को दिखा रहा हूँ फ्रेंड आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है, ये आपको इसी तरह लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कपड़ा में जिस तरीके से लिया है उसी हिसाब से इसमें है, ये हमारा फोल्ड है, और ये सिंगल पट कट रहा हूँ, मैं फ्रंट पट कट रहा हूँ अभी, ठीक है। ये जो शरारा लहंगा है ना, तरह तरह का लहंगा होता है, मैं जब शरारा दिखाऊंगा तो इसी से हम जो कुछ खाऊंगा शरारा की नहीं हम कहूंगा, ठीक है। तो चलिए हमको वेस्ट कितना है, तो फ्रेंड अब हमको क्या लेना है फ्रेंड, पहले ये हम देखे हैं जो हमारा जो वेस्ट का मेजरमेंट है ये 20 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में आप चलिए, मैं तो फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया, 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस हाफ इंच, ठीक है। ये लेके क्या होगा फ्रेंड, ये देखिए हमारा 1/4 ऑफ वेस्ट, 1/4 ऑफ वेस्ट में क्या होता है, यानी कि 5 होगा, ठीक है। 20 डिवाइड अपना 4 करेंगे, यानी कि 4 5 यानी कि 20 होगा, और उसके बाद हम हाफ इंच सीम्स के लिए लेंगे,
यानी कि 5.5 लेंगे। ठीक है, यही हमारे 5.5 है, तो इसको हम मार्क करेंगे। और फिर क्या करना है हमें, ये इसी तरह एक देखना है हमें कितना मार्जिन पर है। तो फ्रेंड ये देख रहे हैं, मैं कैमरा को फ्रेंड दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 7 and 2 धागे। ठीक है, तो ये 7 and 2 धागे का मतलब